आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे रीमिंग ऑपरेशन के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे प्रोसेस जो लेथ मशीन के हैं, जिससे हमारा नलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग क्या होता है, सेंटरिंग क्या होती है, ये सारे प्रोसेस, बोरिंग क्या है, ये सारे प्रोसेस हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन हमारा दोस्तों एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रिल होल है जो हमें रिसेंटली ड्रिलिंग पड़ा था, ड्रिलिंग होल ऑलरेडी हमें प्रोवाइड होता है, बस हम क्या करते हैं उसके सरफेस को, इंटरनल जो हमारी सरफेस होती है उसको हम क्या करते हैं फिनिश करते हैं, और हमें जितना भी रिक्वायर्ड साइज चाहिए उसका वो हमें क्या दोस्तों मिल जाता है, वह हमारा होता है रीमिंग ऑपरेशन। रीमिंग ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट ये हमारा, जैसे हमारा चक है, चक में हम क्या करते हैं अपने जॉब को क्या करते हैं होल्ड कर देते हैं। ये मैंने जॉब को क्या किया, होल्ड कर दिया। अब जॉब को होल्ड कर दिया मैंने, ये मैंने क्या किया चक में जॉब को क्या किया होल्ड कर दिया। अब जॉब में क्या करना है, इंटरनल ऑलरेडी हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है, ये ऑलरेडी इसमें क्या है होल्ड है, ये हमारा क्या दोस्तों चक है। जॉब का रोटेशन हमारा कुछ इस तरीके से हो रहा है, और ये जो हमारा रीमिंग टूल है, रीमिंग टूल हमारे इस तरीके से बना होता है, क्या करते हैं उसको टेल स्टॉक में, सपोज दैट ये मैंने टेल स्टॉक कंसीडर किया, ये हमारा क्या टेल स्टॉक है, ये हमारा टेल स्टॉक है, और इस सेंटर के अबाउट ये मैंने सेंटर क्रिएट किया, ये हमारा क्या रीमिंग टूल है, ये रीमिंग टूल का किस तरीके की स्पैंडल है, और ये हमारा क्या है रीमिंग टूल है। इस रीमिंग टूल को क्या करते हैं, इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर देते हैं, कुछ इस तरीके से बना होता है ऐसे, और इसमें फ्लूड बनी होती है इस तरीके से, ये तो ये हमारा क्या है रीमिंग टूल है, इसमें कहते हैं रीमा टूल। इसको हम क्या करते हैं टेल स्टॉक में क्या करते हैं फिट कर देते हैं, ये हमारा क्या टेल स्टॉक है, और हमारा इस पे हैंडल लगा होता है दोस्तों, इसको क्या करते हैं हैंडल से हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इस जो हमारा इंटरनल ड्रिलिंग हो चुकी है उसको क्या करते हैं हमें और फिनिशिंग करने के लिए इस रीमर टूल की सहायता से हम धीरे धीरे इसको इंटरनल डेप्थ तक ले जाते हैं, और हमें जितना भी रिक्वायर्ड शेप चाहिए, रिक्वायर्ड साइज चाहिए, वो हमें क्या दोस्तों यहां मिल जाता है। ये हमारी क्या थी जॉब था। तो ऐसा होता है रीमिंग ऑपरेशन। जैसा कि मेनली दोस्तों जैसे कि डिफरेंट अगर हम देखें, जो हमारा ड्रिलिंग ऑपरेशन क्या है, बोरिंग ऑपरेशन क्या है, और रीमिंग ऑपरेशन क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जाता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको सारे प्रोसेस बहुत ही माइनर डिफरेंट है। पर हम बात करेंगे ड्रिलिंग की, ये आपको याद रखना है ड्रिलिंग की। ड्रिलिंग ऑपरेशन हम क्या करते हैं, ओनली हम क्या कर सकते हैं होल करते हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग क्या करते हैं, कोई हमें होल प्रोवाइड नहीं होता, हम इसके सहारे हम क्या करते हैं ड्रिलिंग टूल लगाते हैं, और हमने जॉब में क्या करते हैं होल करते हैं, वो हमारा होता है ड्रिलिंग। अगर हम बोरिंग की बात करें, बोरिंग में क्या होता है, जो हमारा होल हमें ऑलरेडी ड्रिलिंग से प्रोवाइड होता है, उस होल को हम क्या करते हैं, अगर हमारे डायमीटर को इंक्रीज करना है तो क्या करता है इंक्रीज करता है डायमीटर को, ठीक है, हमारा होता है बोरिंग ऑपरेशन। अब हम बात करते हैं इसमें रीमिंग में क्या होता है, जो हमारा ड्रिलिंग होल हमें प्रोवाइड होता है उसको हम क्या करते हैं, और हमें फिनिश शेप चाहिए या फिर थोड़ा साइज उसका रिक्वायर्ड साइज चाहिए, फिनिशिंग करनी है, इंटरनल फिनिशिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं फिनिशिंग के हम लिख सकते हैं फिनिशिंग ड्रिल्ड होल्ड तो हम क्यों यूज करते हैं रीमिंग ऑपरेशन का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।